बसमिलहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आई एम हेयर विद अ न्यू लेक्चर ऑफ नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री वेलकम टू माई चैनल अगेन डेयर स्टूडेंट डेयर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री हमारे पास चैप्टर नंबर वन देट इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बारे में हम ब्रीफ व्यू से ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्लियर कर लें और इसको अंडरस्टैंड कर सकें स्टूडेंट्स एलिमेंट्स में सबसे पहले हम एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे उसके बाद हम जो है इसके इंट्रोडक्शन में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट पे हम बात करेंगे इन अर्ली एजेस विच एलिमेंट वार डिस्कवर्ड या विच एलिमेंट्स वार नॉन के शुरू शुरू में कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हुए थे या मालूम किए जा चुके थे क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट अप नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड आप इनको लिख लीजिए इनको माइंड में बिठा लीजिए कि हमारे पास कितने क्वेश्चन बने और कौन कौन से इन दो क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हमारे पास एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जा सकती है इट मींस डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट की बात करेंगे हम डिटेल से कि हम एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उसकी कितनी हमारे पास स्टेट बन सकती हैं स्टूडेंट उसके बाद हम एलिमेंट की परसेंटेज की बात करेंगे यानी यानी परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स इन आवर इन्वायरमेंट इन्वामेंट के अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर की बात कर सकती हैं हम ओशियंस की बात कर सकती हैं हम अर्थ क्रस्ट की बात कर सकते हैं मींस हमने इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी माइंड इट उसके बाद हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में देखना होगा क्वेश्चन क्या बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल सिंबल्स का क्या मतलब होता है और सिंबल को हम कैसे लिख सकते हैं मीन्स उसकी एब्रीवेसन फॉर्म हमारे पास क्या हो सकती है स्टूडेंट उसके बाद हम बात करेंगे वैलेंसी की एलिमेंट की सबसे अहम और यूनिक प्रॉपर्टी होती है वैलेंसी मीन्स डिस्क्राइब द टर्म ऑफ वैलेंसी इस तर्ज का हमारे पास क्वेश्चन बनेगा इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स की कि रेडिकल्स क्या होते हैं मीन्स डिफ़ाइन रेडिकल विद एग्जांपल तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम ब्रीफ वे स्टूडेंट डिस्कस भी करेंगे और इनको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट्स में ब्रीफ़ डिस्कशन है उसमें हम बात करते हैं एलिमेंट्स आपके सामने स्टूडेंट स्क्रीन पर ये बात शो की जा रही है जिसको आप क्लियरली तो व्यू कर सकते हैं स्टूडेंट uh, एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास क्या है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ दैट अ सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एस एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर तमाम की तमाम जो एटम है और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है स्टूडेंट उन चीज़ को हम नाम देते हैं एलिमेंट का क्या नाम देते हैं स्टूडेंट एलिमेंट फॉर एग्जांपल हम आयरन की बात करते हैं सिंबल हमारे पास एफ ई हम कॉपर की बात करते हैं सिंबल हमारे पास सी यू हम सिल्वर की बात करते हैं सिंबल हमारे पास ए जी हम गोल्ड की बात करते हैं सिंबल हमारे पास ए यू। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सिंबल्स हैं इसके एग्जांपल हैं एलिमेंट्स की कि हमारे पास एलिमेंट्स की क्या क्या एग्जांपल होने चाहिए क्या कहा हम लोगों ने कि ऐसे सब्सटेंस जिनके जिन, जिन जिन में जिन में हमारे पास क्या हो तमाम एटम के एटॉमिक नंबर अगर सेम हो तो उसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अर्ली एजेस के अंदर कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और वो कौन कौन से हैं तो स्टूडेंट्स इन द अर्ली एज ओनली नाइन एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड फॉर एग्जाम्पल कार्बन गोल्ड सिल्वर टिन मरकरी लेड, सल्फर एंड आयरन दीज आर द नाइन एलिमेंट्स डेट डिस्कवर्ड इन द अर्ली एज नो अबाउट दैट सेकेंडली हमारे पास है स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने बताया था अपटिल नाउ हाउ बीन डिस्कवर्ड Uh, हमारे पास अंटिल द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी में हमारे पास सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स स्टूडेंट डिस्कवर हो चुके थे लेकिन अब तक हमारे पास एक सौ अठारह एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और उन उन एक सौ अठारह एलिमेंट्स में से नाइन्टी टू एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं मींस कुदरती तौर पर जो एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं हमारे पास कुदरत के तौर पर नेचर्स में वो हमारे पास हैं हम लोगों ने बात की हमने कहा कि नाइनटीन सेंचुरी में सिक्सटी थ्री एलिमेंट डिस्कवर हुए अब तक वन एटीन एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उन वन एट एटीन एलिमेंट्स में जो हमारे पास नाइन्टी टू एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं और यहाँ से हमारा जो है एम भी बन सकता है वो माइंड में रखें आप लोग स्टूडेंट हमारे पास इसका ब्रीफ़ व्यू है जो आप सुन रहे हैं और इसको क्लियर भी कर रहे हैं उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ़िजिकल स्टेट्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स की तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को हम फाउंड करते हैं थ्री फिजिकल स्टेट्स के अंदर द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड द सेकेंड वन इज़ लिक्विड द थर्ड वन इज़ गैस स्टूडेंट्स अब हम इन तमाम की कैटेगरीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन सी गैस हमारे पास ज़्यादा पाई जाती है कौन सी कम पाई जाती है और कौन सी बहुत कम हमारे पास पाई जाती है फर्स्ट में हमारे पास है सॉलिड सॉलिड हमारे पास एक फ़िज़िकल स्टेट है और एलिमेंट्स इन स्टेट्स के अंदर हमारे पास मौजूद होता है तो स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स अक्कर सॉलिड स्टेट ज़्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जा सकते हैं कौन से ज़्यादातर मेजॉरिटी वो कौन कौन जिसमें हमारे पास सोडियम एन ए कॉपर सी यू जिंक जेड एन एफ ई आयरन ए यू गोल्ड क्लियर दीज आर द एलिमेंट्स दैट कंटेन्स सॉलिड्स एंड दैट हैव मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंस मींस हमारे पास ये कसरत से पाए जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट में हम बात करते हैं हमारे पास गैसेज गैसेस भी हमारे पास फिज़िकल स्टेट है एलिमेंट की और हम कहते हैं कि अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस कुछ एलिमेंट हमारे पास गैसेस में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं फिजा के अंदर पाए जाते हैं उसमें से सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन N ऑक्सीजन ओ टू हाइड्रोजन एच टू एंड क्लोरीन सी एल टू दीज आर दैसेस एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन गैस फॉर्म्स फॉर्म देट आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट मीन एटमोसफियर स्टूडेंट लास्ट में हम बात करेंगे हमारे पास हम ये डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास लिक्विड है लिक्विड हम आप कहते हैं कि हमारे पास वेरी फ्यू एलिमेंट्स अक्र इन लिक्विड स्टेट यानी बहुत कम जो एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जा सकते हैं कि अब हमारे पास वो कौन कौन से होंगे हम उनको डिटेल से यहाँ पर देखते हैं इन लिक्विड स्टेट में हम सबसे पहले हम मरकरी की बात करते हैं और सेकंड पे हमारे पास बी आर यानी ब्रोमीन दीज आर द टू एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज़ वेरी फ्यू एलिमेंट्स बहुत कम हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर करना होगा स्टूडेंट ये थी हमारे पास एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कि हमने एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की थ्री स्टेट्स के अंदर सॉलिड गैसेज और लिक्विड में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या स्टेट हो सकती हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं नॉन मेटल्स होती हैं और मेटलॉइड्स होती हैं इनका क्या क्राइटेरिया होता है एलिमेंट्स के दरमियान स्टूडेंट्स हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स नॉन मेटल नॉन मेटल स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉन है इसको हम नॉन नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड मेटलॉइड्स उसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास जो एटी परसेंट हमारे पास मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या होती हैं हम हमारे पास जो एटी परसेंट एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास मेटल्स होते हैं ये यह बात यहाँ पर क्लियर करें और यहाँ एम सी क्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ बनता है जो कि यहाँ से अटैम्प्ट किया जा सकता है कि कितने परसेंट जो एलिमेंट है वो हमारे पास मेटल्स पाए जा होते हैं वो हमारे पास एटी परसेंट है स्टूडेंट्स हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स की जो मेजर एलिमेंट्स हमारे पास पाए जा सकते हैं मीन्स वो एलिमेंट्स हमारे पास एटमोसफियर के अंदर भी हो सकते हैं ओशंस के अंदर भी और अर्थक्रास्ट में भी स्टूडेंट ये परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने आप लोगों की बुक पर जो है ये टेबल बनी हुई है उस टेबल में आप इसको बखूबी और अच्छे तरीके से वहाँ से इसका व्यू कर सकते हैं स्टूडेंट अर्थक्रास्ट में हमारे पास क्रस्ट ऑफ यर्थ उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन सिलिकॉन और एलोमिनियम एग्जिस्ट करते हैं ऑक्सीजन इज़ फोर्टी सेवन परसेंट सिलिकॉन इज़ ट्वेंटी एट परसेंट एलोमिनियम इज सेवन पॉइंट एट परसेंट अगर हम बात करें स्टूडेंट ओशन्स के तो ओशन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन फोर्टी सिक्स परसेंट हाइड्रोजन एलेवन परसेंट क्लोरीन वन पॉइंट एट परसेंट इसी तरीके से हम थर्ड वन की बात करें जो हमारे पास एटमासफियर आता है तो एटमासफेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो सेवेंटी एट परसेंट है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट है और गौन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट है स्टूडेंट्स ये त, तमाम के तमाम टेबल आप लोगों ने क्लियर करनी होगी और जिसकी परसेंटेज माइंड में रखें किसी एलि, एलिमेंट की भी किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए वो आप लोगों से पूछी जा सकती है चाहे वो एटमासफेयर है चाहे वो ओशियंस है चाहे वो हमारे पास अर्थक्राष्ट्र है तो ये बात माइंड में रखें स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास एक ब्लू बॉक्स है ब्लू बॉक्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब मैस परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आ, एलिमेंट्स की मुख्तलिफ परसेंटेज होती है मैथ के हवाले से वो कितनी हो सकती है वो आप लोगों ने बतानी होगी स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने देखनी होगी वो हमारे पास मौजूद है मीन्स अ लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिक्सटी फाइव टू एटी परसेंट ऑफ वाटर बाय मैथ सेकेंड पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ़ आवर बॉडी मैथ कंसिस्ट ऑफ सिक्स एलिमेंट्स उसमें से ऑक्सीजन सिक्सटी फाइव परसेंट है कार्बन एटीन परसेंट है हाइड्रोजन टेन परसेंट है नाइट्रोजन हमारे पास थ्री परसेंट है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम वन पॉइंट फाइव परसेंट फॉसफोरस वन पॉइंट फाइव परसेंट कोई भी एम सी क्यूज किसी भी किस्म का यहाँ से अटैम्प्ट हो सकता है इसी तरीके से और भी हमारे पास मौजूद हैं जिस लोग जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से व्यू करना होगा स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल सिंबल हमारे पास क्या हो सकते हैं सिंबल को लिखने का तरीका क्या हो सकता है सिम्बल्स की एब्रीवेशन क्या हो सकती है अगर हम एक लफ्ज़ लिखें तो उसके लिए सिम्बल क्या होगा अगर हम एट अ टाइम्स दो लफ्ज़ यूज़ करें तब हमें हमें जो है ना उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखना पड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या है वट डू यू मीन बाय सिम्बल आपके सक्र पर शो भी किया जा रहा है एन एब्रीवेशन दैट इज यूज फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल ऐसा कैसे कहते हैं शॉर्ट हैंड मीन मुख्तर अलामत को जो कि uh, किसी चीज को पूरा नेम कंप्लीट नेम देने के लिए यूज हो उसको आप सिंबल का नाम दें जैसे फॉर एग्जाम्पल एच फॉर हाइड्रोजन सी फॉर कार्बन एन फॉर नाइट्रोजन दैट इज स आप इनको मजीद भी और एलिमेंट्स में इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अ सिंबल इज़ टेकन फ्राम इंग्लिश लैटिन ग्रीक जर्मन ऑफ एन एलिमेंट इफ वी डिस्कस वन लेटर एज इज़ ऑलवेज कैपिटल इन टू लेटर सिंबल, फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल एंड द सेकेंड इज़ स्मॉल हमारे पास क्या होगा छोटा होगा तो आपको ये बात माइंड में रखनी होगी स्टूडेंट्स वेरी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आप एक एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा अगर आप दो लेटर्स में जा रहे हैं तो उन टू लेटर में से उसका फर्स्ट कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा यू नो अबाउट दैट फॉर एग्जांपल सी फॉर क्लोरीन तो देखें सी एल का हमारे पास कार्बन सी जो है वो बड़ा है और एल हमारे पास यहाँ पर छोटा है यहाँ पर सोडम केस में देखें तो सोडियम में एन हमारे पास कैपिटल है और ए स्मॉल है अगर हम कैल्शियम केस में देखें तो सी हमारे पास कैपिटल है और ए हमारे पास क्या है स्मॉल है यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट ये था सिंबल हम बात करेंगे वैलेंसी की डिस्क्राइब द टर्म ऑफ वैलेंसी की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है और वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी? किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो सकती है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले ये भी हमारे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की दूसरे नंबर हम कह सकते हैं ये एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है मींस एलिमेंट को आपस में जोड़े रखती है तीसरे नंबर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर आउटर मोस्ट से मुराद ये सबसे बाहर वाला जो हमारे पास शेल होता है उसको आउटर शेल कहते हैं या उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं यानी वैलेंसी उस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है मीन्स कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोगों ने कहा द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वेलेंसी इट इज़ दम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिट इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी अब यूनिक प्रॉपर्टी तो है कंबाइनिंग कैपेसिटी भी है डिपेंड भी कर रही है आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े उन पर लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी वैलेंसी हमारे पास कितनी है और वो किस वजह से हमारे पास आ सकती है तो हम वो वो चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट आपके पास एच सी एल यहाँ पर शो और आपकी स्क्रीन पर एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद है हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में क्या बॉन्ड बना रहे हैं और वो बॉन्ड हमारे पास कौन सा है क्या वो आयनिक बॉन्ड है या हमारे पास स्कोलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स ये बॉन्ड हमारे पास आयनिक नहीं होगा ये बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट होगा क्यों क्योंकि हमारे पास दोनों जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं स्टेबल से मरात के क्लोरीन जो है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकता है यहाँ पर और हाइड्रोजन जो है वो अपना डोपलेट मुकम्मल कर सकता है स्टूडेंट ऑक्टेट क्या होगा अटेनिंग एट इलेक्ट्रॉन और डोपलेट क्या होगा अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से अगर देखें तो इन एच सी एल हैव ओनली वन वैलेंसी एच सी एल में क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास वन है वन क्यों क्योंकि इसके इसके पास सिर्फ एक कॉलन बॉन्ड हमारे पास बन रहा है सो इसकी क्लोरीन की विलेंसी क्या होगी वन स्टूडेंट्स अगर और एग्जांपल यहाँ पर देखें तो हमारे पास वो क्या हो सकती हैं अगर हम बात करें एच टू ओ केस में तो स्टूडेंट्स एच टू ओ में हम यहाँ पर ड्रा करते हैं एच टू मीन्स एच टू स्टूडेंट्स ओ एच टू ओ तो इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन की वैलेंसी देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास स्टूडेंट्स टू आ सकती है कैसे क्योंकि ऑक्सीजन में हमारे पास वाटर के केस में हमारे पास कितने कोलन बॉन्ड बन रहे हैं टू तो जितने कोर्डन बॉन्ड उतने हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट वैलेंसी अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं एन एच थ्री में एन एच थ्री में स्टूडेंट्स एन एच थ्री तो एन एच थ्री में हमारे पास क्या होगा जो नाइट्रोजन होगा उसके साथ कितने हाइड्रोजन हमारे पास कंबाइन हुए हैं तीन हाइड्रोजन है और तीन कोल्डन बॉन्ड बने तो नाइट्रोजन की बलन से क्या होगी तीन होगी हमारे पास और एक और एग्जांपल अगर हम ऐड करना चाहें कि हम कहें कि हमारे पास मीथेन जिसका फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट सी एच फोर मीथेन गैस तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि कार्बन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ लिंक कर रहा है फोर हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन फोर बॉन्ड बनाता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है कार्बन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है अपना आउटलिट मुकम्मल करता है हमारे पास तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ लिंक है और चार ही कोवलन बॉन्ड बना रहा है तो, तो कार्बन की विलेंसी क्या होगी हमारे पास फोर तो ये बात क्लियर करें एच सी एल में कलोन की विलेंसी वन एच टू NH3 में ऑक्सीजन की विलेंसी टू एन एच थ्री में नाइट्रोजन की विलेंसी थ्री और सी एच फोर में कार्बन की विलेंसी हमारे पास फोर है तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए ऑलरेडी इसको आप माइंड में रखें स्टूडेंट्स लास्ट में हम बात करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेडिकल क्या रेडिकल हमारे पास क्या हो सकता है रेडिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड रेडिकल इज़ कॉल्ड रेडिकल तो हम इसको रेडिकल का नाम देंगे कि कोई ऐसे सी हो कोई ऐसा एटम्स का ग्रुप हो जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव भी चार्ज हो और नेगेटिव भी चार्ज हो और उस टर्म को हम रेडिकल का नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ओ एच नेगेटिव नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्साइड आइन हाइड्रो ऑक्साइड आय देट इज़ नेगेटिव चार्ज दैट इज़ आल्सो नोन एज एन हमारे पास ये एक रेडिकल है जी उस पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास है एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट हम कहते हैं एन और साथ में हमारे पास क्या है एन एच फोर एन एच फोर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा वेलेंसी पॉजिटिव वन तो स्टूडेंट्स ये अमोनियम आइन है तो इसके वजन से हमारे पास पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वन है इसी तरीके से आप जो है कार्बोनेट की बात कर सकते हैं बाइकार्बोनेट की बात कर सकते हैं सोडियम की बात कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं जिसके अंदर आपको रेडिकल मिलेंगे रेडिकल क्या होते हैं ग्रुप ऑफ एटम विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स के बारे में एलिमेंट्स का ब्रीफ व्यू डिस्कस किया एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स की परसेंटेज स्टूडेंट्स हमने बात की सिंबल्स के हमने बात की वैलेंसी की और हमने लास्ट में बात की रेडिकल की उम्मीद है कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आपने लेक्चर के कमेंट्स फीडबैक में लाजमी देने हैं और इन नेक्स्ट वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह अल्लाह आने के बाद